अब समय आ गया है, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए होगा बंद। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के नाम से जाने जाने वाला हिमालय के निचले और मैदानी इलाके हमेशा से ही अध्यात्म के गढ़ के तौर पर जाने जाते रहे हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा जिन चार मठों की स्थापना की गई थी उसमें जोशीमठ भी शामिल है। जोशीमठ का विशिष्ट धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सर्दियों में बद्रीनाथ में कपाट बंद हो जाते हैं तो उस समय भगवान बद्री की प्रतिष्ठा पूजा इसी मंदिर में की जाती है। इसके अलावा यहाँ नवदुर्गा मंदिर, वासुदेव मंदिर और नरसिंह भी है। चमोली जिले के तहत आने वाला जोशीमठ 7वीं से 11वीं सदी तक कत्यूरी वंश के शासकों के अधीन रहा है। इस वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे शीर्ण होकर गिर जाएगा, तब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। ऐसा होने पर बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।